नागपुर में मेट्रो परियोजना को लागू करते हुए महामेट्रो ने कई अनोखे प्रयोग किए हैं। मेट्रो स्टेशन की आधुनिक डिजाइन से वर्टिकल गार्डन की अवधारणा को लागू किया गया है। वैसे तो यह त्योहार हर जगह और खासकर ग्रामीण इलाके में बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, लेकिन किसानों के लिए इसे एक अनोखा त्योहार के रूप में जाना जाता है। शहर का कपास बाजार क्षेत्र छत्ता मनाने का एक लंबा इतिहास रहा है। इस क्षेत्र में बड़े और छोटे पित्ती मनाए जाते हैं। हालांकि समय के साथ इस तरह के त्योहारों की संख्या में कमी आई है, लेकिन इस क्षेत्र की पहचान आज भी कायम है। महामेट्रो के प्रबंधक निदेशक डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित ने कॉटन मार्केट क्षेत्र में एक पर उत्सव को पकड़ने का फैसला किया। छोटे के लिए बड़े छत्ते और छोटे छत्ते दोनों के दृश्य को कैद करने का निर्णय लिया गया। योजना के अनुसार शहर में ललित कला के क्षेत्र में विशेषज्ञ विनोद इंदौरकर ने लोहे और इसी तरह की अन्य सामग्रियों के माध्यम से 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इस दृश्य को महसूस किया। महत्वपूर्ण रूप से एक ही विषय के बाद स्तंभ के चारों ओर 4 अलग-अलग दृश्य है। इसके एक तरफ एक बच्चे के छत्ते का सीन है। हर तरफ से देखने की कुल लंबाई 24 फीट × 9 फीट है, जैसा कि यह कुछ सामग्रियों के माध्यम से बनाया गया है। कला का यह कार्य कई वर्षों तक पर्यावरण से प्रभावित नहीं होगा। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, छत्रपति नगर और सुभाष नगर मेट्रो स्टेशन के पास भी दृश्य हुए है। महामेट्रो में झांसी-रानी मेट्रो स्टेशन नागपुर में रानी का एक भित्ति चित्र है। महामेट्रो ने शहर के इतिहास और क्षेत्र की परंपराओं को विभिन्न तरीके से पकड़ने की कोशिश की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ अभिषेक पांसे, BCN न्यूज़ नागपुर।